हाय एवरीवन, माय नेम इज शिवांश बसीन। वेलकम बैक टू द चैनल द इन्वेस्ट्रोलॉजी। सो गाइस, आज की मार्केट बहुत अच्छी रही। अब आज हम लोगों ने ऑलमोस्ट 17,300 के लेवल को क्रॉस होते हुए भी देखा और उस लेवल के आसपास सस्टेन हुई है मार्केट एंड 39,700 के ऊपर जाके क्लोज हुई है, विच इज अ वेरी गुड साइन। सो अब किस तरीके से ट्रेड करना है, क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, हम लोगों ने कल डिसाइड करा था कि मार्केट एक कंसोलिडेशन जोन के अंदर है। एक्यूमुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन कुछ भी हो सकता है, आइदर साइड वो ब्रेकआउट देगा उसकी पॉसिबिलिटी से हम पता लगा सकते हैं कि मार्केट की डायरेक्शन किधर है। इसके अलावा हमने बात करी थी कि बहुत स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन निफ्टी और यूएस 30 दैट इज डाउ जोन्स का हमें देखने को मिल रहा है। सो डाउ जोन्स के अंदर क्या पॉसिबिलिटी है जिसकी वजह से और मार्केट में चेंजेस आने वाले हैं, कौन से स्टॉक्स पे फोकस करना है। मार्केट ओवरऑल बहुत अच्छा रहा है, हम लोगों ने कॉल ऑप्शन भी लेकर गए हुए हैं। इसके अलावा आज हम लोगों ने एक दो इंट्राडे ट्रेड्स भी लिए थे, वो भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा। तो चलते अपने ट्रेडिंग सेटअप की तरफ। आई होप आप लोगों को मैंने एक कॉल दिया था टेलीग्राम चैनल पे, उस पे आप लोगों को अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा। सो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो अगर आप लोगों को प्रॉफिट हुआ है, एंड लेट्स कंटिन्यू। ओके गाइस, तो हम लोगों ने सबसे पहले डाउ जोन्स ओपन करा हुआ है, बिकॉज एक सेकंड की भी हम लोग यूएस मार्केट को स्टडी कर लेते हैं। सो कल की वीडियो अगर आप लोगों ने चेक करी होगी तो हम लोगों ने देखा था एक ऊपर लेवल से, इस एग्जैक्टली लेवल से एक रिजेक्शन आया था जो कि एक कंसोलिडेशन जोन के अंदर अभी भी स्टे कर रहा है। अब आप देख सकते हैं एग्जैक्टली इस लेवल पे आज ओपन हुआ है और बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग अप मूव दे रहा है, एग्जैक्टली जो निफ्टी ने दिया था। एंड ऑलमोस्ट 600 पॉइंट्स अभी भी अपने करंट अपने लोअर लेवल से, अपने ओपनिंग प्राइस से ऊपर है, विच इज अ गुड साइन। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि शायद ये दोबारा आज ब्रेक ना कर पाए बट कल ब्रेक कर सकता है, बिकॉज एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी आई है और पॉसिबिलिटी है कि ये आज भी ब्रेक कर सकता है। अगर ये चीज होती है तो हमारी मार्केट एक पॉजिटिव रिएक्शन लेकर चली गई थी, लेकर जाएगी, जो आज भी लेकर गई है। एक बार निफ्टी को स्टडी करके देखते हैं एंड हमें क्लियर इंडिकेशन वहां पर मिल जाएंगे बहुत इजीली। सो मैं 2 आवर्स का टाइम फ्रेम ओपन कर रहा हूँ। सो ना 2 आवर्स टाइम फ्रेम हम लोगों ने क्या चेक करा, एक अच्छा खासा आज के ट्रेडिंग सेशन के अंदर एक गैप डाउन तो आया था, बट आफ्टर दैट एक अच्छी रिकवरी हमें देखने को मिली और मार्केट ने पूरा सस्टेन करा है। और ना 15 मिनट्स टाइम फ्रेम अगर हम चेक करें तो मार्केट कंसिस्टेंट बेसिस पे ऊपर गई है, थोड़ा सा पॉज लेती थी ना आफ्टर अ वेरी गुड ब्रेकआउट, अगेन पॉज लेती थी, अगेन ये ऊपर की तरफ जा रही है। सो मार्केट इज विन अ वेरी गुड जोन। अब ट्रेड किस तरीके से लेना है, देखिए 17,300 पे भी पुट राइटर्स अभी भी एक्टिव है, दैट डजंट मीन कि अभी 17,300 एक रेजिस्टेंस बन चुका है। देर इज अ हायर पॉसिबिलिटी कि ये कल ब्रेक कर सकता है और देर इज अ हायर पॉसिबिलिटी कि शायद कल गैप अप भी हो सकता है। सो उस पर हमें एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेड्स मिल सकते हैं, मार्केट अभी भी एक अपसाइड के लिए बनी हुई है। अगर कल गैप अप आता है, एक सेलिंग प्रेशर आता है ऑन स्टार्टिंग बेसिस और अगर वो रिकवरी में बदलता है तो देर इज अ वेरी गुड एंट्री पॉइंट जहां पर हम एंटर कर सकते हैं। अब हमें ट्रेड कैसे लेना है, तो सबसे पहले अगर आप चेक करोगे तो एक रेजिस्टेंस की लाइन मैंने ऑलरेडी ड्रॉ करी है 17,340 पे, जो कि मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि अगर कोई भी एक साइकोलॉजिकल लेवल है, लेट्स से 17,300, तो वहां तक जा सकती है और उसके ऊपर 17,330 टू 340 जा सकती है, वहां पे वो रेजिस्टेंस फेस करते हैं, बिकॉज वहां पे सारे कॉल राइटर्स ट्रैप करना स्टार्ट करते हैं, सेलिंग प्रेशर्स एडिशंस होती है, ठीक है। सो अगर कल ये वाला लेवल ब्रेक होता है जो कि प्रीवियस स्विंग हाई है हमारा 17,340 का और क्लोजिंग मिलती है, देन इट्स वेरी गुड अपॉर्चुनिटी कि अपने प्रीवियस इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन तक जा सकता है जो कि 17,420 17,430 का लेवल है, ठीक है। एक बार हम लोग ओपन इंटरेस्ट का डाटा भी चेक कर लेते हैं या इस लेवल पे। सो यहां पर आप चेक कर सकते हो 17,300 पे ऑलमोस्ट 3.8 मिलियन के पुट के ओपन इंटरेस्ट है जो आज एडिशन हुए हैं। इसके अलावा कॉल पे आप देख सकते हो 2.3 मिलियन है, मतलब ज्यादा डिफरेंस है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। आप देख सकते हो अगर आप सबसे टॉप पे देखोगे 17,300 के नीचे कॉल है 6.9 मिलियन एंड पुट है 5.4 मिलियन, ज्यादा मेजर डिफरेंस नहीं बचा जो कि स्ट्राइक प्राइस के बिल्कुल एग्जैक्टली एट द मनी क्लोजिंग करी है, दैट मीन्स कि बायर्स बहुत ज्यादा एक्टिव है। इसके अलावा अगर आप 17,350 पे आते हो तो ऑलमोस्ट 9 लाख कॉल राइटर्स ने अपनी पोजीशन को अनवाइंड करा है और 2.5 लाख क्वांटिटीज पुट में एडिशन हुई है। आप देख सकते हो नीचे का ग्राफ कि एग्जैक्टली यहाँ से कॉल राइटर्स अपनी पोजीशन एग्जिट कर रहे हैं एंड बायर्स पुट राइटर्स अपनी पोजीशन को एक्टिवली बढ़ाए जा रहे हैं, ठीक है। सो देयर इज अ हायर पॉसिबिलिटी कि मार्केट और ऊपर जा सकती है। एक बार चेक करते हैं अपना बैंक निफ्टी को, ठीक है। सो बैंक निफ्टी में एक बार ओपन कर देता हूं आप लोगों के लिए। सो बैंक निफ्टी भी बिल्कुल पॉजिटिव था, ये हमारी रेंज थी एग्जैक्टली, इस रेंज के ऊपर इट गेव अ वेरी गुड ब्रेकआउट रीटेस्ट अगेन एक अच्छी अप मूव आई। बैंक निफ्टी उल्टा ना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था एज कंपेयर टू निफ्टी। अगर आपको याद होगा तो निफ्टी की जो क्लोजिंग हुई है
और जो सिर्फ 20 मिनट पहले की जो उसकी कैंडल थी, दोनों का प्राइस सेम है। बट अगर आप बैंक निफ्टी में देखोगे, वो अपने एग्जैक्टली हाईस पे जाके क्लोज करा है, एट ऑलमोस्ट 39,900 पे जाके क्लोज करा है। और हमारा लेवल था कि अगर ये 39,600-700 के ऊपर जाके क्लोज करता है तो कल मार्केट में एक बड़ी अच्छी रैली हमें देखने को और मिल सकती है। बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी तभी भी हम लोग लेकर यूज कर सकते हैं। बैंक निफ्टी में आई एम डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग एंड आई एम डेफिनेटली बुलिश। आप चेक कर सकते हैं, ये मेजर साइकोलॉजिकल लेवल था जो कि ब्रेक हो चुका है, गैप डाउन से नीचे आया था, इसी लेवल पर रेजिस्टेंस लिया था एंड आज फाइनली इसने ब्रेकआउट दिया है। सो मेरे हिसाब से कल ये 40,340 तक इजिली जा सकता है। मेक श्योर आप बैंक निफ्टी को भी फॉलो करके चल सकते हो। एक बार बैंक निफ्टी का भी ओपन इंटरेस्ट का डाटा चेक कर लेते हैं, आई थिंक इसमें भी कुछ मेजर चेंजेस आए। यस, आप देख रहे हो नीचे पुट राइटर्स, ये जो रेड कलर के बार्स आपको नीचे साइड दिख रहे हैं ना, ये इंडिकेट कर रहे हैं जितने बड़े बार्स होंगे दैट मींस कि बायर्स की स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा है। और उस ग्राफ के नीचे जितने भी ग्रीन आपको देख रहे हो दैट मींस कि कॉल ने अनवाइंडिंग हुई है, दैट मींस इट्स अ गुड साइन फॉर अ बुलिश मार्केट। आप देख सकते हो किस लेवल पे, ऑलमोस्ट 42,000 पे भी पुट राइटर्स कॉल राइटर्स ने अपनी पोजीशन एग्जिट करी है एंड यहाँ पे कुछ भी पुट कॉल राइटर्स की पोजीशन नहीं है, हेविली पुट राइटर्स की है। That means it's a very good sign. अब बात कर लेते हैं अपने first stock की। So first stock is FDC. ये particular stock मैंने आज आप लोगों को भी suggest करा था and अच्छे returns दिए थे इस particular stock ने, 288 पे दिया था and 305 तक भी होके आया था and अच्छे returns अभी तक आप इसमें हमें देखने को मिले हैं। Clear sign से एक head and shoulder pattern है, इसका एक breakout हमें देखने को मिला है एंड ऑलमोस्ट 310-320 के आसपास के हम टारगेट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो मोस्ट प्रॉबेबली कल या आने वाले 2-3 दिन के अंदर ही दिखा सकता है। बाय ऑन डिप्स इसके अंदर भी हम लोग एज्यूम करके चल सकते हैं, अच्छे रिटर्न ये पर्टिकुलर स्टॉक दे सकता है। स्टॉक का नाम है FTC। अब बात करते हैं अपने सेकेंड स्टॉक की। सेकेंड स्टॉक इज बजाज फिनसर्व एंड इसका लेट मी ओपन अ 2 आवर्स टाइम फ्रेम फॉर यू। सो इसमें एक सिमेट्रिकल ट्राइंगल पैटर्न का ब्रेकआउट आया है एंड आई पर्सनली थिंक ये अच्छे रिटर्न दे सकता है। लेट मी ओपन इट अगेन। या सो एक सिमेट्रिकल ट्राइंगल पैटर्न का बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया इसने एंड अगर मैं यहाँ पर एक जोन क्रिएट करके चलता हूँ तो ये एक छोटा सा साइकोलॉजिकल लेवल है जो इसे क्रॉस करना है एंड मोस्ट प्रोबेबली क्रॉस कर भी देगा। इसके ऊपर अगर कल बाय चांस अगर आप मान के चलो 10-15 रुपये ऊपर या अगर ये गैप अप आता है तो एक अच्छी मोमेंटम हमें देखने को मिल सकती है एंड लेट मी यूज द वॉल्यूम प्रोफाइल इंडिकेटर फॉर यू एज वेल। और वॉल्यूम प्रोफाइल इंडिकेटर्स मैं इस ग्राफ को ऊपर ले जाता हूँ, ये एक साइकोलॉजिकल लेवल है, इसके ऊपर जैसी क्लोजिंग मिलती है आर नेक्स्ट टारगेट शुड बी अराउंड दिस पर्टिकुलर लेवल जो कि इसका प्रीवियस स्विंग हाई है, जो कि इजिली ये पर्टिकुलर स्टॉक दिखा सकता है। सो मेक श्योर आप इस स्टॉक को भी वॉच करके जरूर चले। अब आते हैं अपने लास्ट स्टॉक पे। ये पर्टिकुलर स्टॉक एक रिवर्सल की तैयारी कर रहा है या तो एक बड़े ब्रेकडाउन की तैयारी कर रहा है, आई थिंक एक रिवर्सल आ सकता है। तो इस पर्टिकुलर स्टॉक पे मैं फोकस रख रहा हूँ ना बाय साइड। लेट मी यूज ओपन वॉल्यूम्स फॉर यू। या सो मैंने वॉल्यूम्स ओपन कर दिया है इसका। मैं सबसे पहले वीकली टाइम फ्रेम ओपन करता हूँ और वीकली टाइम फ्रेम एक बहुत बहुत ज़्यादा ही अच्छे अपने सपोर्ट लेवल्स पे सस्टेन कर रहा है एंड अगर आप चेक करोगे इस बार ने जो पिन बार बनी थी इसका जो लो है एग्जैक्टली उसी के पास आ गया ये। अगर आप चेक करोगे तो वॉल्यूम्स, देयर इज नो वॉल्यूम्स एट ऑल। ठीक है, अब आते हैं एक बार 2 आवर्स के टाइम फ्रेम पे। ठीक है, तो ऑन 2 आवर्स टाइम फ्रेम हमने देखा कि लास्ट कैंडल पे वॉल्यूम्स का बहुत तेजी से स्पर हमें देखने को मिला है एग्जैक्टली एट दिस पर्टिकुलर लेवल। ठीक है, ये आप चेक कर सकते हो। और वॉल्यूम की कैंडल कौन सी थी, बिल्कुल एग्जैक्टली डोजी और एक इंडिसाइसिव कैंडल है। ठीक है, सो ये एक रेंज है एग्जैक्टली एट दिस पर्टिकुलर लेवल। अब इसका हम एक बार 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम ओपन करते हैं। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आप देखोगे तो अब आपको ग्रीन कलर का बार दिख रहा है। अब आप लोग कंफ्यूज हो गए होंगे कि सर पहले 2 आवर्स में रेड कलर का बार था एंड ग्रीन यहां पर दिख रहा है, क्या इंडिकेशन है इसका। ठीक है, मैं इसको और ऊपर कर देता हूँ। देखिए, सबसे पहले हमें समझना है बड़े टाइम फ्रेम पे जो भी सेलिंग प्रेशर आ रहा था, जब हेवी रेड कलर की वॉल्यूम बार की कैंडल बनी दैट मींस कि जितने भी सेलर्स थे उन लोगों ने अपनी वहां पर पोजीशन को एग्जिट करा, इस लेवल पे पोजीशंस को एग्जिट करा। आफ्टर दैट एक ग्रीन कलर का बार बना, इस लेवल पे रेंज बाउंड था दैट मींस कि बायर्स एंटर होना स्टार्ट हुए एक बहुत अच्छे सपोर्ट पे। सो अगर अभी तो ट्रेड कर रहा है अराउंड 3130 रुपीज के आसपास, अगर ये 3150 के ऊपर निकलता है 15 मिनट की कैंडल भी क्लोज करता है, बड़ी मूवमेंट ये पर्टिकुलर स्टॉक दे सकता है और इसमें हम अच्छा पैसा कमा सकते हैं कैश में। सो आई थिंक इस पर्टिकुलर स्टॉक को भी आप फॉलो करके चल सकते हैं। एनालिसिस बिल्कुल परफेक्ट चल रही है अभी तक, सारा कुछ ठीक चल रहा है। सो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, लेट अस नो इन अ कमेंट सेक्शन की कैसी लग रही है वीडियो एंड डू फॉलो अस ऑन टेलीग्राम। अब एक चीज और हम एक बार आपको दिखा देते हैं कि आज हम लोगों ने कौन से स्टॉक्स पे ट्रेड लिए। सबसे पहले तो था डॉक्टर रेडीज। डॉक्टर रेडीज का लेट मी ओपन अ 15 मिनट्स टाइम फ्रेम।
एग्जैक्टली एट दिस पर्टिकुलर लेवल वी एंटर्ड 300 and 4300 रुपीज के आसपास वी एंटर्ड एंड हमारा टारगेट था 4370 रुपीज का। ये हम लोगों ने उन लोगों को ट्रेड्स दिए थे जिन लोगों ने हमारे थ्रू एंजल ब्रोकिंग में अकाउंट ओपन करवाया एंड उनपे फंड्स ऐड करके ट्रेड करा है। सो उन लोगों को बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ एंड आफ्टर दैट एग्जैक्टली एट दिस पर्टिकुलर लेवल वी एग्जिटेड आवर पोजीशन। एफडीसी के अंदर भी हम लोगों ने अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न करा है, वो भी हमें अभी प्रॉफिटेबल ट्रेड दे रहा है एंड वी आर स्टिल होल्डिंग दिस पर्टिकुलर स्टॉक। इसके अलावा निफ्टी का हम लोगों ने 17,300 का कॉल ऑप्शन भी सजेस्ट करा है एट 109 रुपीज पे। तीन लॉट बाय करे थे, एक लॉट 130 पे एग्जिट कर चुके हैं, रिमेनिंग टू लॉट्स आर स्टिल इन द होल्डिंग साइड। वी कैन एक्सपेक्ट कि कल एक बड़ी मोमेंटम आ सकती है तो वो भी प्रॉफिटेबल ट्रेड जा सकते हैं। सो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड टू जॉइन इन दैट पर्टिकुलर प्रीमियम चैनल जहां पे आपको कुछ पे करने की जरूरत नहीं है, जस्ट हैव टू ओपन द एंजल ब्रोकिंग अकाउंट, एड फंड्स इन दैट अकाउंट एंड ट्रेड विद अस। एंड एवरी सैटरडे संडे वी आर गोइंग टू टीच यू एज वेल हाउ टू ट्रेड इन स्टॉक मार्केट। हैव अ गुड डे, बाय बाय।